अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदरान है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 20 मॉडर्न फोटोग्राफर बिजनेस कार्ड टेम्पलेट है या डा फोटोशॉप की। तो ये मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इस टाइप के जो हैं आपको प्रोफेशनल तरीके से भी मिल जाएंगे। तो कुछ इसमें इमेजेज हैं और कुछ नहीं है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी PSD फाइल में डिज़ाइन है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही देखें किस तरह से प्यारा बिजनेस कार्ड है। और ये देखें तो ये टेम्पलेट मैं आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसका फाइल का कोई पासवर्ड नहीं है, तो आपको ये बहुत ही इजी से आपने एडिट करने हैं। किस तरह से एडिट करने हैं ये एक ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैक फ्रंट दोनों एक ही टेम्पलेट में है और ये बस अलग अलग हैं अलग फोल्डर में। तो ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से एडिट करने हैं। तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, उसका हम करेंगे ओके। तो यहाँ पे देखें ये जो फ्रंट है, ये फ्रंट का जो आंख बनी हुई है यहाँ पे चेक लगा हुआ है। तो उसके बाद अगर आप बैक इसका देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारी बैक साइड आ जाएगी। तो पहले हम फ्रंट पे कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे फ्रंट है तो हम इस ग्रुप को ओपन करते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज लगानी है। तो आपकी कोई भी इमेज जो आप अपनी लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये इमेज लगा देता हूँ, इसको कर देता हूँ मूव और इधर यहाँ पे आके ड्रॉप कर देता हूँ। आपने इस इमेज को यहाँ से पकड़ के नीचे ले आना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब आप इसको जितना एडजस्टमेंट करना चाहें, जिस तरीके से एडजस्टमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, Ctrl+T फ्री ट्रांसफॉर्मर किया है मैंने, और इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। आपने इस तरीके से अपने तरीके से एडजस्टमेंट कर लेनी है जिस तरह से आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैंने ये इमेज एडजस्टमेंट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं ये फोटो सोल, तो आपने यहाँ पे लोगो में चेंज करना है तो लोगो में भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे फोटोग्राफी लिखा हुआ है तो ये आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं ये सारे टैक्सी हैं, तो ये देखें। तो इसके बाद हम यहाँ पे नीचे ये भी चेंज कर सकते हैं, जो जो भी नाम लिखा है। तो मेरे पास इसके फोन में इंस्टॉलेशन नहीं है तो इस वजह से नहीं हो रहे। तो इस वजह से यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फोटोग्राफी की जगह फोटो स्टूडियो कोई भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फोटो सोल लिखा है तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद आप कोई भी इसमें चेंजिंग करना चाहें बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अगर आप इसके आइकॉन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें से कर सकते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस आइकॉन वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे बेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे बेल को आप रिमूव करना चाहें कर सकते हैं। वेब का लिंक देना चाहे कोई भी आइकॉन लगा सकते हैं, चाहे फेसबुक का, ट्विटर का, मोबाइल फोन का, कोई भी आप आइकॉन लगा सकते हैं। और बाकी बैक साइड जो है, बैक साइड को भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इमेज उठाएंगे, इधर ड्रैग करेंगे और इसके बाद ये इमेज जो है इसको पहले हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस इमेज को हम पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।